राजनीत के कभी चाल सीधा ना होके, हमेशा या तो टेढ़ बकुलिया चाल चलेला आ ना तो अढ़ाई घर चलेला। नमस्कार, स्वागत बा रउआ लोग के भारत लाइव के यूट्यूब चैनल पर। बात सियासत के राजनीति के भइल तो बात राजनीति के ही हुई, और राजनीति के भइल तो शाहाबाद के बात जरूर हुई। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के एगो बैठक होखे वाला बा, सम्मेलन टाइप के होखे वाला बड़ू है, भोजपुर के बिहिया। बिहिया याद हो रुआलों के, जहाँ एगो महिला के निर्वस्त्र करके घुमावल गई रहे, जौन खबर हमने के रुआलों के सबसे पहले देखौले नहीं जा, और वह खबर सारा दुनिया में चल रहे। अब ओजा फिर से एगो विवाद उत्पन्न हो गई बा, और भारतीय जनता पार्टी के एमे संलिप्तता और भारतीय जनता पार्टी में आपसी कलह नजर आई है। आपसी कलह ऐसे नजर आई है कि किसान मोर्चा के सम्मेलन में जौन सबसे लमहर सबसे बड़ नाम रहा है, उ नाम उनमें से गायब बड़ुए। स्वर्गीय विशेश्वर ओझा के नाम गायब बड़ुए, उनका पूरा परिवार के नाम गायब बड़ुए, उनका छोट भाई राजनीति करे ले राजनीति में बाड़े, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी बाड़े, उनकर नाम गायब बा। साथे साथे मुन्नी देवी जौन पूर्व विधायक बाड़ी, उनकर भी नाम गायब बड़ुए। उहे ना विशेश्वर ओझा के विरासत लेके उनकर पुत्र राकेश ओझा जौन लोग के दुख दर्द सुने खातिर गली मोहल्ला में जाता रहन, हर दुख सुख में लोग के शामिल होलन, उनकर तक नाम गायब बड़ुए। युवा नेता के रूप में उनकर बहुत बढ़िया, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल बाड़े, और भाजपा युवा मोर्चा में उनकर पदाधिकारी भी बाड़े, और शायद उनमें शामिल भी बाड़े। हेलो, छोटू शास्त्री जी बोल रहे हैं? जी, प्रणाम। कहानिया की छोटू जी, किसान मोर्चा का आप लोगों का सम्मेलन होने जा रहा है भोजपुर में। जी, तो ओकरा में का कुछ विवाद हो रहा है? का विवाद? कुछ नहीं है, विवाद यही हुआ है कि जो पोस्टर बैनर लग रहा है, उस बैनर पोस्टर में सबका फोटो था, और हमारे निजी जो शाहपुर विधानसभा में प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम में हमारे श्रीमान मुनि देवी जी जो पूर्व विधायक हैं, इनका फोटो जो है पोस्टर में गलत से छूट गया था। अच्छा, इसी पर जो है कुछ मतलब विचार होने लगा कि सभी विधायक पूर्व विधायकों का फोटो है, और विधायक जी का पूर्व विधायक जी का फोटो क्यों नहीं है। तो उसको बाद में जो है सुधार लिया गया, और उसको मतलब डाल दिया गया है, और बात विवाद बढ़ता है। और जो है मैं तो चूंकि उस प्रोग्राम में इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग के क्षेत्र में ये घटना जो हत्या हुआ है, घटना घटा है, तो इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। तो आगे जो भी पार्टी का विचार है, कहे का मतलब ये बात कहीं राजनीति तो नहीं हो, तो ये तो सीधे सीधे जो है पहले तो राजनीति ही दिखाई दिया कि हम लोग के जो क्षेत्र में श्रीमान विधायिका जी का फोटो नहीं लगा और लोग को लग गया। जब मैं इस बात के लिए जिला महामंत्री मिथिलेश कुमार पांडे जी से जब बात किए, तो उन्होंने बताया कि भूल से छूट गया है, अब हर पोस्टर में उनका फोटो लग गया, तो उन्होंने लगाकर और पोस्टर को खींचकर हमारे पास भेजे, तो उसको हमने हर ग्रुप में जो है भेजे, सबको संतुष्टि के लिए दिए। यही बात है, पहले तो मुझे भी लगा कि कहीं गुटबंदी हो रही है, लेकिन बाद में जब लग गया और वो माफी मांग लिए, तो हम उस पर विचार किए कि ठीक है। लेकिन आप बता रहे हैं कि आप उसमें शामिल नहीं है, आपके अलावे और भी बहुत लोग से ऐसा हमारा लगे सूचना मिला था न्यूज बिहार के, कि और भी कई जो किसान मोर्चा से जुड़ल नेता बहन या और भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ल नेता बहन, वो लोग भी अपन कोनो कोनो निजी कारण बता के एकरा से अलग होके के प्रयास कर रहे हैं। जी, अब इस विषय में तो जिला अध्यक्ष जी जानेंगे, क्योंकि सब जो है गठित कार्यकर्ताओं को कुछ कार्यकर्ता जैसे कि हम अभी बात किए जो तो दोनों प्रखंड अध्यक्षों से, तो उन लोगों ने बताया कि हमारे पास जो है किसी मीटिंग का फोन आया था, लेकिन इसके विषय में जानकारी जो है जिला अध्यक्ष जी के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ था, और इसका समय जो है निश्चित करने के लिए चाहे उस कार्यक्रम में अभी तक हम लोग को कल या परसों तैयारी के लिए मतलब नहीं बुलाया गया था। तो उन लोग जो है वहाँ गए भी तो वहाँ कुछ कार्यकर्ता दिखाई नहीं दिए, जिसके कारण हम लोग अपने काम में व्यस्त है, और कुछ लोग जो है ये कारण बता रहे हैं कि इधर हॉल ग्राम ठीक नहीं है, हमारे बीजेपी का नेता का जो है हत्या हुआ है और बीजेपी का प्रोग्राम हो रहा है, तो इस पर भी कुछ कार्यकर्ता इधर उधर हो रहे हैं।
पूर्व विधायिका मुन्नी देवी के अलावे भी और उनके परिवार से जो लोग राजनीति में हैं वो लोग भी सक्रिय राजनीति में हैं, जैसे राकेश विश्वेश्वर ओझा हुए, उसके बाद से फिर भुवर ओझा हुए, या और भी उनके परिवार के जो जी सदस्य हैं उन लोगों का भी तो इसमें कहीं कोई स्थान नहीं दिया गया है। नहीं स्थान दिया गया, उसी पर हमने इसी पर विचार किए तो उन लोगों ने कहे कि जो है इसमें सिर्फ पूर्व विधायिका लोग का जो है फोटो डाला गया है और जिला पदाधिकारियों को डाला गया है, तो हमने कहे कि ठीक है डाला गया है तो इसमें भी इन लोगों को भी डाल दिया जाए ताकि कि ये भी सक्रिय कार्यकर्ता है। अच्छा तो ये और हमारे एक और नाम सबसे बड़ी बात ये है जी, एक और नाम उसमें राजेंद्र राजेंद्र तिवारी जी का भी नाम है ना जी, जी वो कौन से पूर्व विधायक हैं, उनका नाम भी तो उसमें जी दिया गया है। जी उसमें इस बात पर इन लोगों ने बताया कि जैसे जिला अध्यक्ष बीजेपी के, जिला महामंत्री बीजेपी के, और जो है जिला के जो बीजेपी के सतगाठ में हैं, जैसे कि हम अपने पोस्टर बनवा रहे हैं तो हम अपने नजदीकियों को डाल रहे हैं, लेकिन एक पोस्टर जो बना है उसमें सभी विधायकों को फोटो डाला गया है, पूर्व विधायकों को, वो पार्टी द्वारा बनाया गया है। अच्छा अच्छा तो इसमें पार्टी द्वारा बनाया गया है, उसमें भूल से जो है श्रीमान मुनि देवी जी का फोटो छूट गया था, तो उसको मैंने बात करके और तुरंत लगवाए। पहले मुझे भी गठबंधन मतलब लगा कि ये राजनीति गलत हो रही है, जब पोस्टर लग गया फोटो तो हम उसको अपने संतुलना को अपने शांति को समझे कि चलो ठीक है हमारे बात को कहीं, रखे कहीं, लोगों कहीं, कहीं इस पोस्टर वार में सवर्ण सवर्ण और SC ST का मामला तो नहीं नजर आ रहा है। नजर तो आया, पहले तो नजर आया, इसमें भी एक कमेंट आया कि जो है आप सवर्णों का ये ऐसे किया जा रहा है, सवर्णों के लिए मतलब इस प्रोग्राम को दुनिया में नहीं होना चाहिए क्योंकि सवर्णों के अपमान किया जा रहा है, तो इस विषय में हम कुछ नहीं बोल पाए, उन लोगों को जवाब नहीं दे पाए। जैसे कि जानकारी मिल रहा कि पोस्टर बार छिड़ गई, वो पोस्टर जन वो बैठक खाती सब जगह लागल बढ़ो, पोस्टर से पूरा परिवार के नाम गायब बढ़ गए, उपाध्यक्ष वहां किसान मोर्चा भोजपुर जिला के उ छोटू शास्त्री से जब बातचीत भई तो कहले कि एगो भूल बड़ू है, लगातार सोशल मीडिया में यह बात के लेके बहुत रार चल रहा बड़ू है, बहुत तरह के बात चल रहा है, कई पदाधिकारी किसान मोर्चा से जुड़ल कई पदाधिकारी ये बात सोशल मीडिया में और एक ग्रुप बड़ू ग्रुप में लिखले हा कि हम निजी कारण से आवे में अक्षम बानी, ऐसे हम क्षमा प्रार्थी बानी, ए तरीका के लगातार ना शामिल होके वाला बात सामने आ रहा है। न्यूज बिहार से बातचीत के क्रम में जो हमने के छानबीन करे की कोशिश करनी है जा तो छानबीन में यह पता चल रहा कि भारतीय जनता पार्टी भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में अभी बहुत जबरदस्त आपसी और अंदरूनी घमासान चल रहे बड़ुए, एक दूसरा के लंगड़ी मारे के एक दूसरा के पीछे करे में सब लोग लागल बड़ुए, आगे देखी एक कैसे पाटल जाते हुए और भारतीय जनता पार्टी कैसे एक पाटल दिया, और ये बात सिर्फ भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के हर प्रकोष्ठ में देखा जा रहा बड़ुए कि एक दूसरा के लंगड़ी मारे वाला काम सबसे ज्यादा तेजी से चल रहा बड़ुए, जैसे ही कोई नया अपडेट आते हुए और ये मुद्दा पर भी अगर कोई विशेष बात होते हुए तो रुआ लोग से फिर साझा हो कब फिर सामने आई, तब तक खाती इजाजत चाहब गोर लागता नहीं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, धन्यवाद।